मेजॉरिटी, ठीक है, तो जस्टिस का अपोजिट क्या था, माइनर, अगर उसके साथ एग्रीमेंट होता है तो उसके क्या लीगल इफेक्ट्स होंगे, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब देखो इस पे आते हैं, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो देखो पर्सन ऑफ साउंड माइंड जो कंडीशन थी इसकी, एक देखो यहाँ पे बैक एक पीपीटी में, ये देखो, ये दिख रहा है पर्सन ऑफ साउंड माइंड, यस मैम। ठीक है। तो देखो पर्सन ऑफ साउंड माइंड क्यों दिया है यहाँ पे, कौन साउंड माइंड होगा, इसलिए जो अपना इंडियन लॉ है उसने अनसाउंड माइंड बता दिया। तो अनसाउंड माइंड अगर पता है तो ओवरऑल में से जब अनसाउंड माइनस हो जाएगा, अनसाउंड माइनस, तो जो रिमेनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, साउंड माइंड। अब एग्जैक्ट साउंड माइंड की डेफिनेशन निकालना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कुछ कैटेगरीज हैं जिसको गवर्नमेंट ने क्लियर कट कर दिया है कि ये अनसाउंड माइंड है ना। ये तो इडियोसिटी, इंसैनिटी, ड्रंकननेस, मेंटल डिके और हिप्नोटिज्म, ठीक। तो इडियट्स है ना, सबसे पहले अपन इडियट्स देखते हैं, ये क्या कंडीशन होती है इसमें, इसमें उस कैटेगरी को रखा गया है अ पर्सन हु सफर फ्रॉम एक्सट्रीम मेंटल डेफिशिएंसी, ठीक है, लिखना आप लोग एग्जाम में, एक्सट्रीम मेंटल डेफिशिएंसी, ठीक, ड्यू टू इनकम्प्लीट और एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। तो ये है किसका, इडियोटिक में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, एक लुनैटिक्स है, लुनैटिक समझते हैं, अपनी करने वाला बोल सकते हैं, ये अपन इसमें डाल सकते हैं, इंसैनिटी में भी डाल सकते हैं, 100% श्योर नहीं है किसी भी डेफिनेशन को लेकर के। तो ये सिर्फ कुछ क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट बताती है, ठीक है। अ पर्सन हु सफर फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, लुनैटिक्स में मेंटल डिसऑर्डर है, और इडियट में क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम, ठीक है, इससे भी एक कदम आगे वाला वो क्या हो जाता है, इडियट में आ जाएगा। ड्यू टू सम मेंटल स्ट्रेन और सीरियस मेंटल शॉक, और एनी हाई ट्रेजिक इवेंट, नोट किया आप सबने, यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसमें, ये जो मेंटल डिके है, मेंटल डिके में आप लोग बोल सकते हो ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड एज की वजह से जो फर्क एक आता है, ठीक है, मतलब इनकैपेबल ऑफ मेकिंग रैशनल जजमेंट, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग रैशनल जजमेंट। फिर जैसे हिप्नोटिज्म, इसमें आएगा अ पर्सन इज फाउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड स्लीप, है ना, INDUCED, इंड्यूस्ड स्लीप। बच गया ड्रंकननेस, देखो ड्रंकननेस क्या रहता है, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक वो इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल, मैम ये हमको ब्लैक फॉन्ट है ना, ये दिख नहीं रहा अच्छे से। एक सेकेंड चेंज कर देती हूँ, ये आप लोग क्या बोलते हैं,
इसमें ड्राइंग कर रहे हो क्या मेरे साथ साथ तुम लोग इसमें? अब ठीक है? ठीक। अब ठीक है ना? फॉन्ट हाँ मैम, यस। हु इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल? किसी का फिर से टाइप करूं अगर फॉन्ट की वजह से कुछ नहीं लिखा हो तो? जो लास्ट वाला ना, हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिज्म वाला लिखना वो है? हाँ, इसमें लिखो अ पर्सन इज फाउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्लीप। ठीक है, अब इसमें देखो, इस कंडीशन में एक चीज ये है कि इनके साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इनकैपेबल है, लेकिन जो ये वाली कंडीशन है ड्रंकननेस, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है। देखो, ड्रंक, ठीक है, अल्कोहल का इन्फ्लुएंस आजकल कॉमन है कि नहीं है? है ना, जो बड़ी बड़ी बिजनेस पार्टीज होती हैं उसमें तो मोस्टली अल्कोहल तो सर्व होता ही है, होता है कि नहीं होता है? होता है मैम। हाँ ना, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इनकैपेबल है या ये पर्सन इनकॉम्पिटेंट है? तो गवर्नमेंट ने देखो क्या बताया, ठीक है, जब इनका जो ड्रंकननेस है वो कम्प्लीटली ओवर हो जाएगा और ठीक ये सेंसिबल और सोबर हो जाएंगे, जब मतलब जब ये ड्रिंक नहीं लिया हुआ है, इट मींस ये तब क्या रहेगा, सेंसिबल और सोबर, तब हम इसके साथ एग्रीमेंट में आ सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट में, और फिर वो क्या कहलाएगा, वैलिड। ठीक है, तो ऐसी इसमें इन चारों में अवेलेबल नहीं है, बट इसमें सिर्फ अवेलेबल है ये वाला पॉइंट, किसमें, ड्रंकननेस में। किसी को डाउट है तो पूछो। देखो, हिप्नोटिज्म में तो वो कंट्रोल्ड रहता है दूसरे पर्सन से, कंट्रोल्ड बाय अदर पर्सन, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ विच ही इज सब्जेक्ट, ठीक है। देखो एलियन, इसका मतलब एलियन भी बोल सकते हो तुम लोग, देखो एलियन या एलियन भी बोलते हैं या एलियन भी बोलते हैं, इट मींस ये एक फॉरेनर है टू विच इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ द कंट्री। सब्जेक्ट ऑफ द कंट्री मीन्स वॉट, मैंने बताया है ना सब्जेक्ट वाला आप लोगों को, इन विच ही लिव्स, हम जिस कंट्री में रहने वाले हैं, हमको कहाँ की सिटीजनशिप मिली है, तो हम उस कंट्री के क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा फॉरेनर जो इंडिया में तो रह रहा है बट उसकी सिटीजनशिप यहाँ की नहीं है, वो इस कंट्री का सब्जेक्ट नहीं है, इट मीन सपोज वो चाइना का है या अमेरिका का है, उसको सिटीजनशिप यहाँ की नहीं है, तो ऐसी कंट्री या ऐसे लोगों के साथ एग्रीमेंट करना ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है टू विच ही इस सब्जेक्ट। तो हम जिस कंट्री के सिटीजन है और हम जाके रूल्स और रेगुलेशंस के फॉलो करते हैं, तो वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। तो हम इंडिया हैं तो इंडिया, इंडियन की कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला है एलियन इन मींस मतलब फॉरेन सिटीजन्स, अगर हम फॉरेन सिटीजन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। अभी आप लोगों ने पैंडेमिक किस टाइम पे सुना था कि अमेरिका चाइना के ऊपर केस कर रही थी ड्यू टू द कोविड की, उसने ये बोला था कि कोविड को स्प्रेड करने में ओवरऑल चाइना का हाथ है, तो इसलिए अमेरिका चाइना के ऊपर केस करने वाली थी। तो अमेरिका ने अपने लॉ में चेंजेस किए थे कि अमेरिकन सिटीजन्स चाहे तो चाइना कंट्री उसके ऊपर केस कर सकती है। तो सोचो, अमेरिका जैसी कंट्री में भी लॉ में कुछ चेंजेस करने पड़े थे, अमेंडमेंट करना पड़ा था।
अब वो पास हुआ कि नहीं हुआ उसका मेरे को इतना आइडिया नहीं है फिलहाल, बट उस समय ये ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो कोई भी सिटीजन यहाँ का दूसरी कंट्री या उसके सिटीजन के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर अपन को ऐसे करना है तो अपन को उसमें हाई गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को हमको इन्वॉल्व करना पड़ता है, लेकिन हम डायरेक्ट केस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, फॉरेन सोवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, जैसे एम्बेसीज वगैरह होती हैं एयरपोर्ट्स के सामने। ठीक है, तो ये एम्बेसी तो अपने रायपुर रायपुर में तो नहीं दिखेगी, अगर आप लोग यहाँ एयरपोर्ट में देखने जाओगे तो ये एम्बेसी आपको एक दिल्ली में दिखेगी और एक मुंबई में दिखेगी। ठीक है, मोस्टली दिल्ली में दिखेगी एम्बेसी, वहाँ पे दूसरे कंट्री के सिटीजन्स के लोग रहते हैं और मतलब वहाँ पे काम करते हैं, तो एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स कहलाते हैं। फिर देखो, इंसॉल्वेंट्स का मीनिंग पता है आपको, कन्विक्ट वो होता है जो जिसको पनिशमेंट मिली हुई है थ्रू द कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें, ये इसमें कुछ और अगर मैं ऐड करना चाहूं तो फिफ्थ पॉइंट में ये ऐड कर सकती हूँ। देखो इसमें फिफ्थ पॉइंट देखो क्या लिखा है, कन्विक्ट्स के बाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट एंड देयर एजेंट्स। तो हम इंडियन प्रेसिडेंट के साथ या अपने अपने स्टेट के गवर्नर के साथ, एंड देयर एजेंट्स मीन्स उनके ऑफिस में जो उनको रिप्रेजेंट करता है, हम उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते क्योंकि ये सब डिस्क्वालिफाइड में आता है। इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, इनके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हैं। एवरी इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, जो भी, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस सब्जेक्ट की फर्स्ट क्लास में, इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज मीन्स यहाँ पे कंपनी से है, और कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, तो इनके साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो हम इनके एजेंट्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। इनके एजेंट्स कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, और कौन होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं। ठीक है, तो हम केस किसके ऊपर करते हैं, कंपनी के ऊपर, है ना, हम लेकिन इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। नेक्स्ट देखो, पब्लिक अथॉरिटीज, पब्लिक अथॉरिटीज में कौन आ जाएगा, म्युनिसिपल बॉडीज वगैरह और कलेक्टर हो गए, आईपीएस ऑफिसर्स। ठीक है, तो हम इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो ये अपना टॉपिक था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आपको इतना ही स्टडी करना है, माइनर की डेफिनेशंस जैसे मैंने कल एक्सप्लेन की थी, फिर अनसाउंड माइंड। और अब अपना नेक्स्ट टॉपिक हम जो करेंगे, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, फ्री कंसेंट करेंगे। यहाँ पे मीनिंग देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फ्री कंसेंट। कंसेंट मीन्स वॉट, टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट वेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ये जो मीनिंग है ना, एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे, कॉन्सेंसस एड आइडम। ये मैंने वर्ड आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जिसका मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। याद आ रहा है कुछ, जब वो सेम सब्जेक्ट मैटर पे एग्री करते हैं। ठीक है, तो ये फ्री कंसेंट है, तो कौन सी सिचुएशन है जिसमें फ्री कंसेंट नहीं होगा, तो पहला है कोर्शन, कोर्शन
कोएर्शन क्या होता है? जबरदस्ती इन्फ्लुएंस करना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, पोजीशन का यूज करना या फिर पावर का, फ्रॉड तो पता है सबको, मिसरिप्रेजेंट मींस जो फैक्ट्स हैं या जो ट्रूथ है उसको फॉल्सली रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट है मिस्टेक, यानी गलती से होना। ठीक है, तो देखो ये जो चार कंडीशन है, इन चार कंडीशन पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें अगर सामने वाले का फ्री कंसेंट नहीं है, सपोज दो पार्टी हैं, अगर ये इसको प्रेशराइज कर रहा है, ठीक है, और ये हाँ बोल रहा है और इसके पास फ्री कंसेंट नहीं है, तो इसके पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट से मूव बैक कर जाए, और जैसे ही वो मूव आउट कर जाएगा कॉन्ट्रैक्ट से तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टू लेट गो ऑफ। मैंने ये पहले भी बताया आप लोगों को कि कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर दो पार्टी में से किसी भी एक भी पार्टी को फ्री कंसेंट नहीं है, तो जो फर्स्ट पार्टी या सेकेंड जिसको फ्री कंसेंट अवेलेबल नहीं है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट से क्या कर जाए, मूव आउट कर जाए, और उस मूव आउट करने को ही बोलते हैं वॉइडेबल। तो जिस पार्टी का फ्री कंसेंट वहां पर नहीं है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना दे, वॉइडेबल। ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाली कंडीशन है मिस्टेक, ये गलती से होता है और गलती किसी से भी हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो जो चार कंडीशन है ऊपर वाली, इन चारों कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल, और इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। ये था फ्री कंसेंट। अब पूछो कोई डाउट है तो। आरती, आयुषी, पूछो कोई डाउट है तो बेटा। नो मैम, एकदम क्लियर है? नो मैम, क्लियर है मैम। क्या बात है, मतलब यस मैम, है ना, विजिबल है सबको? देखो क्या लिखा है इसमें, कंसेंट, कॉन्सेंसस एड आइडम भी यूज किया है। देखो इसमें सेक्शन 13 बोलता है, टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है, एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस का क्या है मतलब, देखो सपोज ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, एग्रीमेंट में, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है। सपोज इसके पास गया 200 चेयर्स को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट है जिसका प्राइस 40,000 है। ठीक है, तो दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं, एक जो चेयर दे रही है और दूसरा जो पैसे दे रही है, तो सेम थिंग और सेम सेंस मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, एकदम क्लैरिटी ऑफ माइंड से। कंसेंट की मीनिंग क्या लिखा है यहाँ पे, टू एग्री और टू गिव परमिशन। नेक्स्ट देखो, ये देखो सेक्शन 14 क्या बोलता है, फ्री कंसेंट, वो तो कंसेंट था, अब फ्री कंसेंट क्या आ जाएगा जिसमें फ्री वर्ड आएगा। देखो डिफरेंशिएट करना चीजों को अच्छे से। ये देखो जैसे कंसेंट है, तो कंसेंट के लिए मीनिंग है एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, लेकिन जहां पे फ्री कंसेंट आ जाएगा तो पूरी 5 कंडीशंस आ जाएंगी। तो डिफरेंशिएट करना आप लोग एग्जाम में, फ्री कंसेंट में और कंसेंट में। ठीक है, जैसे क्या क्या लिखा है इसमें, कोएर्शन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। नेक्स्ट देखो इसमें, कोएर्शन क्या होता है, देखो कोएर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग, कोएर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट
एनी एक्ट, ठीक है। तो आप लोग कट टू कट डायरेक्ट मीनिंग लिखना कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, कमिट करना और थ्रेट करना, क्या किसी की प्रॉपर्टी या किसी के साथ गलत करना वॉट एवर, या क्या इंटेंशन है किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में लेके आना जबरदस्ती विद द इंटेंशन ऑफ कॉसिंग एनी पर्सन इन टू एन एग्रीमेंट। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल देखो, सिंपल आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन लिखा उसकी मीनिंग बताएंगे आप लोग और उसका एक एग्जाम्पल, खत्म। देखो, ए ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप ऑन द हाई सी कॉज्ड बी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय एन एक्ट अमाउंटिंग टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ए आफ्टरवर्ड्स सूज बी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे पढ़ो उसमें क्या लिखा है। ए ने क्या किया था, जबरदस्ती किया था, ठीक है, तो जिसकी वजह से बी क्या आया था, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया था, तो इसलिए उसके पास कोई केस नहीं होगा। किसके पास? बी के पास। बस आपको ऐसे सिचुएशंस लिखनी है, लिखो उसमें क्या लिखा है। व्हेन अ पर्सन इज कंपेल्ड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूज ऑफ फोर्स और बाय द अदर पार्टी और अंडर अ थ्रेट, कोर्शन कहते हैं उसको, इज सेड टू बी एम्प्लॉयड, मे प्रोसीड इवन फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनीबॉडी। इसके इफेक्ट क्या होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अवॉइडेबल, इफ मनी पेड तो वो रिपेड हो जाएगी वापस और उसको रिटर्न किया जाएगा। तो आपके काम का ये है, आप लोग ये बस लिखना मीनिंग ऑफ कोर्शन में। आ रहे समझ में? ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस उसकी कट टू कट मीनिंग देखो, ये जो लिखा है इसमें आपको। स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने इसका? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। फॉरबिडन क्या होता है? फॉरबिडन क्या होता है बताओ।